गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर कार्बोहाइड्रेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इंटू एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो किण्वन जो क्रिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ जीवाणु और फफूदों फंजाइयों के द्वारा होती है। इसमें जो शर्करा है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। साइंटिस्ट बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम निकाला, जाइमेज। यह जीवित कोशिकाओं में भी किण्वन कर सकता था, बिना ऑक्सीजन के किण्वन कर सकता था। बुकनर एक्सट्रैक्ट्स ए एंजाइम, एन एंजाइम कॉल्ड जाइमेज विच फर्मेंटेशन इन लिविंग सेल्स विदाउट ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फर्मेंटेशन आर ऑफ फोर टाइप। उत्पादों के निर्माण के आधार पर किण्वन चार प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया ईस्ट और फफूदों में पाई जाती है और कुछ उच्च वर्गीय पादपों में भी देखी जाती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो पाइरुविक अम्ल बनता है, उससे फिर एल्कोहल का निर्माण होता है और यह दो पदों में पूर्ण होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन फाउंड इन सम फंजाई, ईस्ट एंड हायर प्लांट्स। इन दिस फर्मेंटेशन पाइरुविक एसिड इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस विच फॉर्म एल्कोहल। दिस स्टेप इज कंप्लीट, this process is complete into two steps. First step में pyruvic जो अम्ल है उसका decarboxylीकरण होता है और acetaldehyde का निर्माण होता है और CO2 मुक्त होती है। First step decarboxylation of pyruvic acid and formed acetaldehyde. CH3CO
ये पाइरूविक एसिड है, ये एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और NADH प्लस एच पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में एसिटाइलडिहाइड अपचयित हो जाता है और अल्कोहल तथा एनएडी का निर्माण करता है। Due to the presence of enzyme alcohol dehydrogenase and NADH plus H positive ion, reduced of acetaldehyde and formed alcohol and NAD plus. एसिटाइलडिहाइड हो गया और ये बनाएगा अल्कोहल एंड एनएडी। नंबर टू है लैक्टिक अम्ल का अपचय। लैक्ट फर्मेंटेशन, लैक्टिक अम्ल, जीवाणु लैक्टोबैसिलस तथा क्लोस्ट्रीडियम में ही इस प्रकार का किण्वन पाया जाता है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल NADH प्लस H पॉजिटिव आयन द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर NAD प्लस उत्पाद का निर्माण करता है। पाइरूविक एसिड प्लस NADH पॉजिटिव आयन एसिटिक अम्ल का किण्वन।
जीवाणु एसिटोबैक्टर एसिटी में ऐसा किण्वन पाया जाता है, इसमें जो पाइरूविक अम्ल पहले एसिटाल्डिहाइड बनाता है और बाद में एसिटिक अम्ल बनाता है, ठीक है, अल्कोहल की तरह है। पाइरूविक एसिड पहले यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनाता था, लेकिन एसिटाल्डिहाइड बाद में अल्कोहल बनाता और यहां क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाता है। ये पाइरूविक एसिड है C3H4O3, जो पाइरूविक एसिड है ये बनाएगा एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बनाता तुम्हारा फिर एसिटिक एसिड, बहुत सिंपल सी बात है। एसिटोबैक्टर एसिटी की प्रेजेंस में, और लास्ट एंड फाइनल है अपना ब्यूटायरिक अम्ल का किण्वन। जीवाणु बेसिलस ब्यूटायरिकस और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस में इस प्रकार का किण्वन पाया जाता है। इसमें भी क्या होगा, पाइरूविक अम्ल पहले एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड बनाता है और बाद में ब्यूटायरिक अम्ल बनाता है। दिस टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन आर फाउंड इन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम एंड बेसिलस ब्यूटायरिकस, इन विच पायरुविक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एसिटो एसिटिक एसिड एंड एसिटो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इंटू ब्यूटायरिक एसिड। इसमें पाइरूविक एसिड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी N+H2O की प्रेजेंस में एसिटो एसिटिक। ठीक है ना, ये हो गया। और फिर बचता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन श्वसन और किण्वन।
difference between respiration and fermentation. This is the presence of oxygen and it is takes place without oxygen. Respiration are found in all living organisms. It is found only in bacteria and fungi. यह समस्त सजीवों में पाया जाता है और यह केवल जीवाणु और फफूंदों में पाया जाता है. यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती. श्वसन की क्रिया के अंत में लास्ट में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 तथा जल बनता है. इन रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड CO2 एंड H2O इज फॉर्म्ड. इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल और CO2 का निर्माण होता है. इन फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म्ड कार्बनिक एसिड अल्कोहल एंड CO2. इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है. इन विच एनर्जी इज रिलीज इन हाई अमाउंट एंड इन विच एनर्जी रिलीज इज लेस अमाउंट. तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया. थैंक यू.